हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज देखो, मैं देखो आपको दिख रहा होगा ना पीछे कितना सुनसान है, आगे भी उतना ही सुनसान है। सुनसान राहों पर शहंशाह तो नहीं, मैं ही निकल रही हूँ। और इतना डर लग रहा है ना कसम से, मैं इस रास्ते में ना पहली बार आई हूँ। तो पंगा ये है कि बस से भी मुझे इतना ही टाइम लगना था और पैदल भी मुझे इतना ही टाइम लगना था, लेकिन जहाँ से मुझे बस पकड़नी थी वो 15 मिनट्स की वॉक के बाद था। तो मैं हो चुकी हूँ लेट काम के लिए, तो खैर ये तो मेरा रोज का ही है। सो आज मैं बात करूँगी स्पॉन्सरशिप के बारे में, और उससे पहले मैं बात करती हूँ बोरिस जॉनसन की, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है पीएम की पोस्ट से। और ये बात अच्छी है या बुरी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। जब बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम बने थे, उन्होंने हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत रास्ते खोल दिए थे, बिकॉज़ आपको पता है कि इंग्लैंड इतनी जल्दी वीज़ा नहीं देता था, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल गई थी हमारी जब से वो पीएम बने थे। सो ये अच्छा है कि बुरा है, वो अपने पीएम से जा रहे हैं यू नो, सो ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि जितने बच्चे अब आ सकते हैं यूके में आ जाओ, क्योंकि उसके बाद वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। क्योंकि एक बार पहले भी यूके में जब 2012 में आई थिंक, उसके बाद बिल्कुल के वीज़े लगने ही बंद हो गए थे, बहुत मुश्किल से लगते थे। सो मैं तो बोलूँगी अभी जो चांस है थोड़ा बहुत अक्टूबर वगैरह तक का है ना, उसके बाद क्या हो सकता है हमें नहीं पता, क्या पता और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, क्या पता नहीं आए। सो और दूसरी चीज़ ये कि विदेश में ना, खासकर इंडिया तो नहीं है, जहाँ रूल्स जो हैं सालों साल चलेंगे है ना, यहाँ रूल जो है वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो, कहीं बहुत जल्दी जल्दी रूल चेंज होते हैं। सो जैसे कि 5 साल की जो स्पॉन्सरशिप मिल रही है ना, उसके बाद आपको ILR मिल जाएगी अगर आप स्किल वर्कर में अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाते हो 5 ईयर्स का, खासकर कैरियर यू नो कैरियर की जॉब में जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो या और भी एक दो फील्ड है जो कि स्किल वर्कर की जिनको नीड है, उसमें अगर आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कराते हो तो उसके बाद आपको ILR मिल जाएगी, यानी कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन यूके। दैट वुड बी आई थिंक क्या बोलूँ, सोने पे सुहागा हो जाएगा है ना, क्या कह सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको यहाँ की एक तरीके से PR ही कह लो, क्योंकि आप उसके नज़दीक ही आ जाते हो। जैसे कि यूके में PR मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, था और शायद रहेगा है ना, लेकिन जो ये रूट खुला हुआ है 5 साल का, ये एक ऐसा रूट है जिसके थ्रू हम बहुत जल्दी यहाँ पे PR पा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको नहीं पता कि ये कितने दिन तक ये रूट खुला है, कितने दिन तक कह सकते ये अपॉर्चुनिटी है। तो जो ये 5 साल की स्पॉन्सरशिप है, ये एक तरीके के से PR ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर PR मिलना मतलब रेगिस्तान पानी मिलने के बराबर है। तो अगर आपको मिल रही है भाई तो ले लो जल्दी जल्दी। जब ये स्टार्ट हुई थी ना आठ दस महीने पहले, इसका रेट कम था, NHS वाले आपको फ्री की भी स्पॉन्सरशिप दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ गया है ना, ऑब्वियसली इसका रेट भी बढ़ गया, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। इवन मेरी एक दोस्त है जिसने £18,000 देकर स्पॉन्सरशिप ली है 5 साल की। सो कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी अगर हम अपना वीज़ा कन्वर्ट करा लें अभी तो बेटर है। और इंडिया से भी जो आ रहे हैं, अगर उन्होंने नर्सिंग वगैरह का कोर्स किया तो वो डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल सकती है ना, 3 साल की मिलेगी फिर 2 साल की मिलेगी, ऐसी होती है। तो अगर स्टडी के बजाय आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है तो क्यों ना ये लो, चाहे थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाए, एटलीस्ट आपको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ तो नहीं जीनी पड़ेगी, सीधा आओ फुल टाइम काम करो, जितना मर्जी पैसा कमाओ। और दूसरी बात ये भी है कि अभी देखो आपको स्पॉन्सरशिप कौन से फील्ड में मिल रही है, ये बेसिकली है स्किल वर्कर है ना, कैरिंग की जॉब हो गई, रेस्टोरेंट में हो गई, मैनेजर की पोस्ट पे,
और कुछ कंपनीज़ है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है, पर कंपनीज़ का तो क्या है, कंपनीज़ तो आपको कभी भी स्पॉन्सर कर सकती है, वो तो एक डिफरेंट थिंग है जब आप कंपनीज़ के साथ काम करते हो, आप वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हो, तो दैट्स अ नेचुरल थिंग कि वो आपको स्पॉन्सर करेगी करेगी, क्योंकि आपने उनके लिए काम किया और उनको पता है कि आप उनके लिए एक एसेट हो, है ना। लेकिन दूसरी जो फील्ड है, जैसे कि मैं कोई पढ़ाई और कर रही हूँ लेकिन मैं केयरिंग जॉब कर सकती हूँ, प्रॉब्लम ये है कि लोग इस फील्ड में जाना नहीं चाह रहे, लोगों को लग रहा है केयरिंग जॉब क्या है यार, नहीं ये तो काइंड ऑफ आया हो गया, यू नो ये एक घटिया सोच जो है ना हम इंडियंस की, ये यहीं पे रहेगी, आपको ऐसे लगता है नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। अरे भाई, जब आप नर्सिंग करते हो, जब आप अपनी डॉक्टरी करते हो, उसमें भी तो आप काफ़ी चीज़ें ऐसी करते हो जो आपने कभी नहीं सोची होती है। सिंपल है ना कि गायनेकोलॉजिस्ट जरूरी तो नहीं ना कि औरत ही हो, बंदा भी तो हो सकता है, और वो भी तो फीमेल पार्ट्स को देखता ही है और फीमेल पार्ट्स के बारे में स्टडी करता है, तो वो कोई गंदी चीज़ थोड़ी है। तो केयरिंग भी कोई गंदी नहीं है, मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छी है। उसका रीज़न क्या है, देखो आपने अभी केयरिंग की, उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं लेवल 1, 2, 3, है ना, जब आप वो एग्ज़ाम्स धीरे धीरे क्लियर करते रहते हो, सो थोड़े दिन के बाद आपको लाइक जितनी भी टाइम पीरियड होता है ना, 5 साल 6 साल, उसके बाद आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होते हो, और स्टाफ नर्स यानी कि आप NHS में काम करोगे, और NHS में काम करना तो लगा लो एक तरीके की सरकारी नौकरी होगी भाई, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, पेड लीव, छुट्टियाँ वगैरह सब कुछ है ना। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस फील्ड में जाना नहीं चाह रहे, अभी उनको स्पॉन्सरशिप तो चाहिए, पैसे दे के भी चाहिए, लेकिन उनको इस फील्ड में काम नहीं करना, वो इतने डफर है ना, पता नहीं उनको कौन गाइड करता है कि हमने स्पॉन्सरशिप तो लेनी है, पैसे दे के भी लेनी है, यानी कि इलीगल काम करना। देखो इलीगल काम ना चाहे 2 दिन का हो या 2 महीने का या 2 साल का, जिस दिन पकड़े गए ना बेटा, ऐसा भगाएंगे तुम्हें यहाँ से, याद रखोगे। सो बेटर है फील्ड में काम करो, अपनी पोस्ट को हाई करो, ठीक है ना।